क्या एलियंस एग्जिस्ट करते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो कई सदियों से लोगों के मन में चला आ रहा है। तो आज हम इसी रहस्य के ऊपर से पर्दा उठाएंगे कि क्या एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, और अगर हाँ तो क्यों वो हमसे अभी तक कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ विनय और स्वागत करता हूँ आपका एक और रोमांच से भरे एपिसोड में। अपने स्वयं के संलग्न वातावरण से परे संचार करने के लिए बुद्धिमान विदेशी सभ्यताओं की संभावित सीमाओं पर आकर्षक परिप्रेक्ष्य, इस अन्वेषण में हम फिशबाउल दुनिया के सैद्धांतिक ढांचे में उतरेंगे और चर्चा करेंगे कि ऐसे वातावरण में अत्यधिक बुद्धिमान अलौकिक प्राणी कैसे मौजूद हो सकते हैं जो बाहरी ब्रह्मांड के साथ संपर्क बनाने में असमर्थ हैं। फिशबाउल वर्ल्ड को समझना। खगोल विज्ञान और काल्पनिक परिदृश्यों के संदर्भ में फिशबाउल दुनिया उन ग्रहों या वातावरण को संदर्भित करती है जो स्वनिहित हैं और शेष ब्रह्मांड से अलग हैं। ये वातावरण प्राकृतिक बाधाओं से घिरे हो सकते हैं, जैसे घने वायुमंडल या ग्रह की स्थिति या उन्नत सभ्यताओं द्वारा कृत्रिम रूप से निर्मित। इन बंद स्थानों के भीतर जीवन पनप सकता है, जटिल पारिस्थितिकी तंत्र और बुद्धिमान सभ्यताएं विकसित हो सकती हैं। संपर्क की सीमाएं। फिशबाउल दुनिया के भीतर अत्यधिक बुद्धिमान प्राणियों के लिए बाहरी ब्रह्मांड से संपर्क करने में असमर्थता महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करती है। अपनी उन्नत तकनीकी क्षमताओं और बौद्धिक कौशल के बावजूद वे अपनी सीमाओं से परे अन्य सभ्यताओं के अस्तित्व से अनजान होकर अपने संलग्न वातावरण तक ही सीमित हो सकते हैं। पर्यावरणीय बाधाएं। फिशबाउल दुनिया से संपर्क की कमी के लिए एक संभावित स्पष्टीकरण पर्यावरणीय बाधाओं की उपस्थिति है जो संचार और अन्वेषण को बाधित करती है। घने वायुमंडल या ग्रहों की स्थितियां संकेतों को दुनिया की सीमाओं से बाहर निकलने से रोक सकती हैं, जिससे निवासियों की बाहरी ब्रह्मांड में संदेशों का पता लगाने या संचारित करने की क्षमता सीमित हो सकती है। इसके अतिरिक्त विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप या ब्रह्मांडीय विकिरण जैसी प्राकृतिक घटनाएं संचार प्रयासों में और बाधा डाल सकती हैं। तकनीकी सीमाएं। भले ही फिशबाउल दुनिया के निवासियों के पास उन्नत तकनीक है, फिर भी उन्हें विशाल दूरी पर संचार करने की क्षमता में सीमाओं का सामना करना पड़ सकता है। अपने सीमित वातावरण के बाहर से संसाधनों या ज्ञान तक पहुँच के बिना उनके पास अपनी दुनिया की बाधाओं को पार करने में सक्षम प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के साधनों की कमी हो सकती है। इसके अलावा ब्रह्मांड का विशाल पैमाना और आकाशीय पिंडों के बीच की विशाल दूरियां अंतरतारकीय संचार के लिए विकट चुनौतियां खड़ी करती हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक कारक। फिशबाउल विश्व के निवासियों की संस्कृति और सामाजिक मानदंड भी बाहरी ब्रह्मांड के साथ संपर्क बनाने में उनकी असमर्थता में भूमिका निभा सकते हैं। सांस्कृतिक मान्यताएं या परंपराएं अपनी दुनिया से परे अन्वेषण या संचार को हतोत्साहित कर सकती हैं, अपने संलग्न वातावरण के संरक्षण को प्राथमिकता दे सकती हैं या आंतरिक मामलों पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक संरचनाएं या शासन प्रणालियां बाहरी ब्रह्मांड के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए व्यक्तियों की स्वायत्तता या पहल को सीमित कर सकती हैं। दार्शनिक निहितार्थ। फिशबाउल दुनिया का अस्तित्व बुद्धि, चेतना की प्रकृति और अलौकिक जीवन की खोज के बारे में गहन दार्शनिक प्रश्न उठाता है। इन बंद वातावरणों के भीतर अत्यधिक बुद्धिमान सभ्यताओं के अस्तित्व की संभावना के बावजूद बाहरी ब्रह्मांड के साथ संवाद करने में उनकी असमर्थता बुद्धिमान जीवन की व्यापकता और अंतरतारकीय संपर्क की संभावना के बारे में पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देती है। फिशबाउल दुनिया की अवधारणा फर्मी विरोधाभास का एक संभावित समाधान प्रदान करती है, जो सवाल उठाती है कि ब्रह्मांड की विशालता और रहने योग्य ग्रहों की क्षमता के बावजूद हमने अभी तक बुद्धिमान अलौकिक जीवन के किसी भी संकेत का पता क्यों नहीं लगाया है। यदि अत्यधिक बुद्धिमान सभ्यताएं मछली पकड़ने की दुनिया तक ही सीमित हैं, अपनी सीमाओं से परे संवाद करने में असमर्थ हैं, तो अवलोकन योग्य संपर्क की कमी अधिक समझ में आती है। अंत में फिशबाउल वर्ल्ड एक विचारोत्तेजक अवधारणा प्रस्तुत करता है जो ब्रह्मांड में बुद्धिमान जीवन की हमारी समझ और अंतरतारकीय संचार की क्षमता को चुनौती देता है। जबकि अत्यधिक बुद्धिमान विदेशी सभ्यताएं इन संलग्न वातावरणों के भीतर मौजूद हो सकती हैं, पर्यावरणीय, तकनीकी, सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों के कारण बाहरी ब्रह्मांड से संपर्क करने में उनकी असमर्थता महत्वपूर्ण सीमाएं प्रस्तुत करती है। फिशबाउल दुनिया के सैद्धांतिक ढांचे की खोज से खगोल विज्ञान की जटिलताओं, अलौकिक बुद्धि की खोज और ब्रह्मांड में हमारे स्थान के दार्शनिक निहितार्थों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि मिलती है।